हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो आज हम देखेंगे क्लिपिंग क्या होता है, उसको एग्जामिन करने के क्या क्या कंडीशन होती हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज़ क्लिपिंग? क्लिपिंग मैंने बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग बुक्स से लिखी है यहाँ पर, तो ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट वन इज क्लिपिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ लाइन विच आर आउटसाइड द विंडो। मैंने विंडो क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में? विंडो बताया था कि वो एरिया जहाँ पर आपका व्यू दिखा, क्या व्यू होगा, ठीक हो गया, उस एरिया में से वो लाइन कट कर देना जो विंडो के बाहर है, ठीक। या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्मॉल सेलेक्टिंग स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द लार्ज पोर्शन, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये पहाड़ है जो मेरी आंखों से दिख रहा है, और मैंने उसको डिवाइस में कितना कैप्चर किया है, वो मेरा क्या हो गया, वो प्रोसेस भी हम कह सकते हैं क्लिपिंग है। या फिर उसको एक और तरीका है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की लैंग्वेज में हम अगर कहें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्शन ऑफ अ डेटाबेस और आइडेंटिफाई द एलिमेंट और अ सीन ऑफ पिक्चर इनसाइड एंड आउटसाइड अ स्पेसिफिक रीजन। वो रीजन वो कॉल्ड क्लिपिंग, रीजन या क्लिपिंग, ठीक हो गया। तो ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, कुछ डेटाबेस का भी हो सकता है, डेटाबेस में से भी अगर हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके हैं वो भी तो क्लिप ही है, ठीक हो गया। हम कहते हैं फिल्म की क्लिप है, छोटी सी क्लिप आर्ट है, वो क्या होते हैं, छोटा सा पार्ट बहुत इन वास्ट चीज़ों का। तो वो क्या है, उस पिक्चर, उस रीजन को, चाहे वो आउटसाइड है या इनसाइड है अपनी विंडो के, उसको क्लिप करना हमारा क्लिपिंग हो गया, और जो रीज़न हमारा हो रहा है क्लिप, उसको क्लिपिंग रीज़न बोल दिया। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं अलग अलग बुक्स में, तो उन्हें आप देख सकते हैं। अब इन क्लिपिंग वी एग्जामाइन, क्या एग्जामाइन करते हैं कि ईच लाइन ऑफ अ डिस्प्ले टू डिटरमाइन वेदर और नॉट इट इज कम्प्लीटली इनसाइड द विंडो एंड लाइज कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो एंड क्रॉस द विंडो। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमको क्लिपिंग में ये चीज़ें देखनी होती हैं, क्या जो हमारी लाइन है, जो भी हमारा पॉलीगन है, जो भी हमारा एरिया है, वो विंडो के बाहर है, कम्प्लीटली बाहर है, या कम्प्लीटली इनसाइड है, या फिर वो थोड़ा बाहर या थोड़ा अंदर उस विंडो के हैं, ठीक हो गया। तो वही चीज़ें हमें एग्जामाइन करनी होती है। अब देखो क्या क्या होता है, उसको एक एक डायग्राम से, क्या विंडो है, क्या क्लिप है। जैसे ये है, मैंने क्या करा, ये हमारी एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में क्या है, मेरा ये इतना विंडो है जहाँ पर मैं अपना कोई भी चीज़ देख सकती हूँ। मतलब समझ लो कि ये पूरा घर है, और घर में क्या है, हमने एक खिड़की लगाई है, खिड़की से हमें बाहर देखना, देखा जा सकता है। देखो खिड़की से जहाँ से दिखाई, जहाँ से जहाँ तक दिखाई देगा हमको दिखाई देगा। अब मैंने कहा पीछे का दायरा तो नहीं दिखाई, लेकिन वो है तो सही, ठीक हो गया, वो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे विंडो एक हमें जगह देती है कि हम इतना दायरा तो देख लें, ठीक हो गया। अब वो किस तरीके का, ये क्या हो गया, जैसे पहले भी बताया है, ये एक्स मिनिमम हो गया, ये एक्स मैक्सिमम हो गया, ये विंडो की मैक्सिमम और मिनिमम है, मैक्स डब्लू, ठीक हो गया, विंडो की, जो विंडो का कोऑर्डिनेट्स है, ये वाई डब्लू मिन, ये हमारा हो गया वाई डब्लू मैक्स, ठीक हो गया। अब मैंने कहा चलो यहाँ एक लाइन ही लेके देते, बहुत बड़ा आइटम या कुछ ऐसा नहीं लेते। मैंने कहा हमें यहाँ तीन चीज़ें क्या एग्जामाइन करनी होती हैं, कहा कि अगर ये लाइन, अगर ये कोई भी आइटम कम्प्लीटली इनसाइड द विंडो है, जो मैं बोल रही थी एग्जामाइन करना है, या फिर वो कम्प्लीटली आउटसाइड है, वो दिखता नहीं है, वो मतलब
कुछ अलग डायरेक्शन में है, कंप्लीटली आउटसाइड है, या फिर वो क्या हो पार्शली इनसाइड एंड पार्शली आउटसाइड, या तो वो हम इसको नेम दे देते P1 to P2, P1 कोऑर्डिनेट से P2 लाइन को जॉइन करने के लिए हमारा क्या है, एक इस तरह की लाइन भी हो सकती है, इस तरह की लाइन भी हो सकती है, इस तरह की लाइन भी हो सकती है। तो इनकी क्या कंडीशन है, क्या कैसे हम क्लिप करेंगे, इसकी कंडीशन है इफ इट इज कंप्लीटली इनसाइड द बाउंड्री। अगर ये पूरी कंप्लीटली इनसाइड द बाउंड्री है, इट इज डिस्प्ले। अब क्या होगा, ये डिस्प्ले हो जाएगी आपके डिस्प्ले डिवाइस में, बट नॉट क्लिप्ड, लेकिन कट नहीं होगी। ठीक, कट करना ही क्यों है, जब मेरे को उसके अंदर ही दिखाई दे रहा है वो चीज, तो मुझे कट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्लिपिंग क्या बोला कि एक बड़े लार्ज पोर्शन से छोटा पोर्शन को क्लिप करना ही हमारा क्लिपिंग है, कट करना ही हमारा क्लिपिंग है एक एक करने से। तो यहाँ पर हमारी क्लिपिंग नहीं होगी, लेकिन ये डिस्प्ले जरूर होगा क्योंकि विंडो के अंदर है। अब सेकंड थिंग है, इट इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो, इट इज़ डिस्कार्टेड। अगर ये कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो है तो इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हम ना ही डिस्प्ले करेंगे ना ही क्लिप करेंगे, इसे हम सीधे क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब पूरी तरीके से क्लिप करके उसको हटा दिया है, अनवांटेड पोर्शन है, ठीक हो गया, तो इसे क्लिप कर दिया पूरा का पूरा और डिस्कार्ड कर दिया। अब थर्ड कंडीशन है, इफ इट इज क्रॉस द बाउंड्री वी मस्ट डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, विंडो और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। हो सकता है किसी में एक ही हो, ऐसे भी लाइन हो सकती है, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक हो गया, ऐसे भी लाइन हो सकती है, ये तो मैंने आपको शो करने के लिए कहा। या फिर सिर्फ वाई प्लेन में ही हो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक। तो इफ इट इज क्रॉस द बाउंड्री वी मस्ट डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ड्रॉ ओनली द पोर्शन विच इज इनसाइड। हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे, हम इसको ढूंढेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन 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 से हैं, एंड वी विल ट्रीट देम इन सम एल्गोरिथम। हमें हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम होती है जो इसको ट्रीट करती हैं, इसको डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद इसमें कुछ एल्गोस लगेंगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा बाहर का पोर्शन है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, या फिर इसे हम ट्रीट करने के बाद क्लिप करके हमारी, अब हमारा क्लिप करके क्या आउटपुट आएगा, ये हमारी विंडो है XW min XW max, ये हो गया। वैसे तो सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये छोटे बच्चे को भी अभी कर कहेंगे। हमारा क्लिप करके क्या हुआ, इसको हमें क्लिप नहीं करना है, इसको हमें सीधा का सीधा ऐसे ही डिस्प्ले कर देना है। सेकेंड थिंग क्या है, इसको हम क्लिप करके डिस्कार्ड कर देंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो है। अब थर्ड थिंग हमारा क्या है, जैसे ये वाली लाइन थी, तो अब मेरा क्या आउटपुट होगा, दिस। अब मैंने इसको क्या कर दिया, कुछ नया पॉइंट दे दिया, Q1 एंड Q2। तो ये वाला जो पोर्शन था मेरा, ये इट विल क्लिप, और इसको हमको डिटरमाइन करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है बाउंड्री में, एंड वी विल क्लिप दिस पार्ट एंड दिस ऑल्सो। हम इन दोनों को क्लिप कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट ये आ जाएगा। अगर हम इसको क्लिप करेंगे तो दिस पार्ट वी विल क्लिप एंड ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये P2 हो था हमारा, P2 dash, और ये Q यहाँ पर P2 double dash अगर कुछ इस तरह से दे दें, तो ये अब यहाँ पर Q2 double dash इस तरीके से हो जाए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, क्लिपिंग। अब इसमें क्लिपिंग में बहुत सारी एल्गोरिथम है इसको डिटरमाइन करने के लिए, और हर ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जिससे हमें फर्दर
इसमें और बेहतर तरीके से, किसी ने दिया है पॉलीगन के लिए, किसी ने कर्व के लिए, किसी ने टेक्स्ट के लिए, किसी ने पॉइंट के लिए, लाइन के लिए, तो हमें हम ये सारी की सारी एल्गोरिथम नेक्स्ट वीडियो से लगातार एक एक करके पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लिपिंग एल्गोरिथम कितने तरीके की होती हैं और पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या होती है। तो हमने आज देखा इस वीडियो में क्लिपिंग क्या होती है और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी प्लीज़ करिए, एंड थैंक यू वेरी मच।